ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 7 जो कि है Vectors का, उसमें आज हम जिन Topics को Discover करेंगे उनमें पहला Topic है Concept of Vector, Second है Properties of Vector Addition और Third होगा जी Scalar Product and Vector Product of Two Vectors। ये बात हम जानते हैं कि Vector जो है एक ऐसी Physical Quantity को कहा जाता है जिसको मुकम्मल बयान करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना लाजमी होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू की शक्ल में जो अभी हम सॉल्व करेंगे जी। फर्स्ट एमसीक्यू जी हमारा, इसकी स्टेटमेंट है कि विच इज नॉट अ वेक्टर, इनमें से एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो वो नीचे मतलब डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है, जिसमें कि हमें पता है डायरेक्शन बताई हुई होती है, हमें पता होती है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए इसको या इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से या एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक का, जो कि खास डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक खास उसकी फील्ड होती है, ठीक है, और उसकी भी मतलब डायरेक्शन होती है। वेट की बात की जाए तो मैंने शुरू में बता दिया कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। डेंसिटी जो है बेसिकली ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास रेट है, ठीक है, कि अगर हम किसी बॉडी के मास को डिवाइड कर दें उस बॉडी के वॉल्यूम से, ठीक है, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में जिसके के यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होंगे, ठीक है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेंसिटी को, जिसमें कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमें सिर्फ ये बताती है कि कितने वॉल्यूम में या एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 5 है, ठीक है, या फिफ्थ ऑप्शन, ये हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा और इसको हम मार्क कर देंगे। सेकेंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है विच इज नॉट अ स्केलर, इनमें एक क्वांटिटी जो है ऐसी है जो कि स्केलर नहीं है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये एनर्जी है जो कि वर्क के यूनिट्स में आते हैं हमारे पास, यानी कि एक बॉडी जो मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है उससे हम कहते हैं, इसलिए ये जो है हमारे पास ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब से हमसे पूछा ही जा रहा है कि जो स्केलर नहीं है वो कौन है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास टॉर्क है, अगर हम टॉर्क को देखें तो ये इसकी मतलब खास डायरेक्शन होती है, या ये क्लॉक वाइज होता है या एंटी क्लॉक वाइज होता है, यानी इसमें मोमेंट ऑफ जो मोमेंट आर्म है इसका जो अप्लाइड फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास टॉर्क, यानी एक बॉडी ने एक फोर्स ने जो एक रोटेशन प्रोड्यूस की है उसको मेजर करने के लिए टॉर्क जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्क या एंट्रॉफी, तो ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी जिसको अगर मैं ए बी सी के सेंस में कहूँ तो सेकंड ऑप्शन जो बी है ये यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और इस एमसीक्यू का आंसर होगा टॉर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, जिसमें कि हमारे पास जो पॉइंट है यानी पी पॉइंट के एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, या हम इन्हें डायरेक्शन नंबर्स भी कह सकते हैं गिवन है, जैसे पी पॉइंट के 0 एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है इसकी, यानी एक्स कंपोनेंट जो है इसका 0 है, वाई कंपोनेंट 1 और जी कंपोनेंट 2 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्यू पॉइंट के भी एक्स वाई जी कंपोनेंट लिखे हुए और आर के भी। अब हमने ये बताना ये है कि अगर पी क्यू, अगर हम वेक्टर्स की एडिशन के हवाले से बात करें, पी क्यू वेक्टर में अगर हम क्यू पी वेक्टर ऐड करें और इसमें फिर पी आर वेक्टर ऐड करें और फिर आर पी वेक्टर ऐड करें तो हमारा क्या आंसर बनेगा। देखिए अगर हम इन वर्टिसेस को या इन सॉरी इन कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट्स के गिवन है, अगर ना भी यूज़ करें तो एक आम सी बात है कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, यानी अगर मैं पी से क्यू मूव हो रहा हूँ और अब मैं अगर क्यू से पी वापस आ जाऊँ तो मेरे पास
चूंकि मैं वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया हूँ, इसलिए मैंने जो वेक्टर इसमें एडिशन के बाद रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया वो जीरो वेक्टर हासिल किया, ठीक है। यानी अगर ये पी पॉइंट था और ये क्यू, तो पहले मैं पी से क्यू आया और इसमें इस वेक्टर की अब टेल इसके हेड से ज्वाइन करके वापस पी तक आ गया, तो जो मैग्नीट्यूड होगी इस वेक्टर की वो जीरो होगी, ठीक है, मैं यानी उसी पोजीशन पर। और इसी तरह पी आर प्लस आर पी ये भी जीरो बन गया, और जीरो वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। यानी मैग्नीट्यूड की सेंस में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मतलब अगर बात करें तो हमारे पास फिर क्या आएगा जी, हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थ्री है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और हम इसे मार्क कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ये हमारे पास एमसीक्यू है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड किसको आखिर रिप्रेजेंट कर रही होगी। ए ऑप्शन है कि क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होगी विद ए एंड बी वेक्टर एज एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर्स के लिए जो मतलब जो वेक्टर का सिंबल है वो मैं इनके ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक है। असल मैंने बोल्ड किया था लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर बोल्ड आपको ना महसूस हो रहा हो तो चले वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बार लगा दें, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या पैरेललोग्राम बनेगा, ट्रेपीजियम बनेगा या टेट्राहेड्रन बनेगी शेप, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हो, एडजेसेंट साइड्स मीन्स कि अगर फर्ज करें ये मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ठीक है, तो जो बी वेक्टर होगा मेरे पास वो क्या होगा, फर्ज करें अगर ये है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, फर्ज कर लें वो ये है। तो अगर मैं इस वेक्टर के यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो कर लेता हूँ, यानी इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास चूंकि ये जो ओ पॉइंट है ओ से लेकर ए तक ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और ओ से लेकर बी तक ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नज़र आ रही है हमें, और ये एम पॉइंट है कोई, तो फिर ये साइड जो होगी ये चूंकि वाई कंपोनेंट है, तो हम जानते हैं कि वाई कंपोनेंट जो होता है ये इक्वल टू होता है, यानी अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, वाई, और हाइपरटेन्यूज साइड कौन सी है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो फिर हमारे पास वाई किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के। इसका मतलब ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, और अगर इसे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये तो हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम हो अगर आप देखें तो इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कि मैं अगर ओ ए साइड को बेस रखूँगा तो मुझे बी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर थ्रो करना होगा बेस पे, और ये जो मेरे पास प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट चूँकि ऐसे डिफाइन होता है कि हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू वेक्टर यानी एन यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होता है, चूँकि ये यूनिट वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपकी ये किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करे, ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो टू होगा यानी बी ऑप्शन हम इसे मार्क कर देंगे और यही हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर ए वैक्टर जो है वो इक्वल टू टू आई यूनिट वैक्टर यानी इसका जो एक्स कम्पोनेंट है, ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस जो उसकी डायरेक्शन बोलिए 2i प्लस 4j माइनस k, ये एक वेक्टर हो, b वेक्टर जो है वो इक्वल टू i माइनस j प्लस 7k, और जो c वेक्टर है वो इक्वल टू हो जाए अगर 5i प्लस 2j प्लस 3k, तो हमें क्या बताना है, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है 3 टाइम्स c वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये एक वेक्टर आएगा एडिशन के बाद, इसका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट लेना है हमने 2 टाइम्स ऑफ ए प्रोडक्ट डिफरेंस सी जो आएगा इस वेक्टर से, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, ये याद रहे।
या स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं, और उसका आंसर इनमें से किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3c वेक्टर देखते हैं कि वो क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, c ये लिखा हुआ वेक्टर, इसको अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, 3 टाइम ऐड कर दिया जाए आपस में अपने आप अपने साथ ही, तो इसका जो i कंपोनेंट है वो 15i हो जाएगा, ठीक है। j कंपोनेंट 6 हो जाएगा 3 टाइम इंक्रीज होकर, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसमें अगर b वेक्टर ऐड कर दिया जाए, b वेक्टर को ऐड कर दिया जाए, तो ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रूल हम यूज़ करेंगे एडिशन का वो हेड टू टेल रूल होगा, और उसमें जो x कंपोनेंट है वो आपस में और जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस b वेक्टर का i कंपोनेंट माइनस j में ऐड होगा, और प्लस 7 के आपस में ऐड होंगे कंपोनेंट्स। तो हमारे पास 3c प्लस b जो वेक्टर है वो आ जाएगा 16i, यानी इनके मैग्नीट्यूड और इंक्रीज हो जाएगी। ये 1 टाइम i और 15 ये ऐड होकर 16 टाइम i प्लस 5 टाइम j और प्लस 16 टाइम k आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर। अब दूसरा जो वेक्टर है हमारे पास वो 2a माइनस c है। अब हम इसकी भी एडिशन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। पहले 2a फाइंड करते हैं वेक्टर वो क्या बनेगा। इसको 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, 4i प्लस 8j माइनस 2k, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें अब c माइनस करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है c वेक्टर को, ठीक है। c वेक्टर किसके इक्वल है, c वेक्टर है 5i प्लस 2j और प्लस 3k के, और इसके साइन भी चेंज करते जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2a वेक्टर माइनस c वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस i, यानी 5 में से, चूंकि बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। फिर यहाँ पर 6j और यहाँ पे माइनस 5k आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आपकी ये माइनस 2 था और ये माइनस, तो माइनस 5 के आ गए। अब दोनों वेक्टर्स हमें पता चल गए हैं, अब इनके मतलब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। देखें i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा और i डॉट i जो था वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आएगा माइनस 16, ठीक है। 16 यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का साइन आ रहा है, और 16 5 से मल्टीप्लाई होके 80 आ जाएगा, यानी माइनस 96 में अगर 30 ऐड करें तो माइनस 66 आंसर आता है, जो कि फिर ऑप्शन नंबर 2, यानी अगर ए बी सी लिखा होता तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया है, लेकिन आप उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि ए बी सी भी लिखा हो तो हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस एक्स जे प्लस 2k, और जबकि बी वेक्टर है वो 4i प्लस 6j प्लस 3k है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ 90 आ जाएगा। अब कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो इन्हें 0 बना देगी, यानी ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 के इक्वल आएगा। अब इस बात को बेस बनाते हुए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखें हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में एक्स कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, चूंकि i डॉट i 1 होता है, जबकि i डॉट j या i डॉट k 0 होता है, इसलिए ठीक है सर, j डॉट i या j डॉट k 0 होता है, इसलिए हम सिर्फ j डॉट j लिख देते हैं, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इसको इक्वल टू हम 1 लिख रहे होते हैं, बाकी में सब में 0 आता है, ठीक है। तो देखें इसका मतलब ये 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा, ठीक है, माइनस x 6 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 6x आ जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा और इक्वल टू 0।
अब 6x वाली टर्म को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे 12 प्लस 6 18 और इक्वल टू 6x आ जाएगा, और अगर 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए यहाँ भी और इधर भी, तो यहाँ से 6 3 टाइम 18 और 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है, यानी सी में, अगर ए बी सी के हवाले से देखें तो। इसलिए हम कहेंगे हमारा यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो 3 है, जिसमें 3 लिखा हुआ है।